अंजलि, इतनी जल्दी क्या अमेरिका वापस जाने की? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? जहाँ मन लगा वहाँ तो आपने हमें रहने नहीं दिया भाई। अब यहाँ रहने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आप शादी कर ले तो हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरने का बहाना मिल जाएगा। इस घर को खुशियाँ और हमें एक भाभी। कोई खास मेहमान? हाँ नैना, है तो खास मेहमान, कल ही गांव से आई है, बलवंत की बेटी करण के साथ। जय राम जी की। हम करण हैं, गांव से आए हैं। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत पानी। लगता है मेम साहब ने कुछ खास ट्रेनिंग दी है आपको चुप रहने की। अरे जरा हिला डुला कीजिए तबीयत। कमाल है, ये तो नकली है। पत्थरों के इस शहर में कुत्ते भी भूत हो गए? जवाब नहीं इस शहर का। जो आंखों को नजर आता है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बड़े बुत साहब, आपका कहीं वो छोटी बुतियान के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं? नहीं अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से कहकर सब फिट करा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो अरे करण तुम? बाप रे, यहां तो कदम कदम पर खतरा है, आप कैसे रहती हैं इन खतरों में? बेहद तकलीफ से। आप मस्करी बहुत करती हैं। अब देखिए ना, कली की तो बात है, आपने कहा और हम शहर आ गए। अब जल्दी से हमें शहर दिखा दीजिए। शहर क्या, तुम तो बहुत कुछ देखोगे हमारी आंखों से। ये क्या है छोटी मालकिन? तुझे मेरे प्यार का तोहफा। छोटी मालकिन, ये प्यार नहीं। जिस जिस्म को पाने के लिए शहर का हर मर्द अपनी रूह को बेचने के लिए तैयार है करण, और ये जिस्म तुझ पर बिकने को तैयार है। ये जिस्म सबकी ख्वाहिश है करण, और इस जिस्म की ख्वाहिश है तू। जिस्म की नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और प्यार, प्यार तो दिलों में धड़कन बन के बस जाता है, और इस दिल की धड़कन का नाम है नैना। नैना पागल, नैना तो हमारे भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश है। ये झूठ है, ये झूठ है ना? नहीं करण, यही सच है। इस वक्त तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी, और हमारे भाई की बाहों में पिघलने के बाद मसली हुई कलियां सिर्फ बाजारों की रौनक बनती हैं। हुकुम? हुकुम नहीं, गुलाम। ये पाप है हुकुम। पाप? ये तेरी खुशनसीबी है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने तुझे इस काबिल समझा। दुखदार जी, दुखदार। ये दर्द हमारा इनाम है तुझे। कोई और लड़की होती तो उसे मौत कबूल करनी पड़ती। हम किसी और से प्यार करते होंगे। ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाहत किसी और का प्यार कैसे? हम मर जाएंगे हुकुम, हमें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे हुकुम। लड़की, तू दिग्विजय सिंह का जुनून है, मौत भी तुझे हमसे छीन नहीं सकती।
ना जी, वो हमारा सच्चा प्यार है हुकुम, हमारा सच्चा। नैना, नैना, वो आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए हुकुम, वो हमें लेवाने आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए। वो आ तो गया है, मगर वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाए, नहीं जाए। दीवारों को हमारे सिवा किसी और की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। हम नैना को लेने आए हैं हुकुम। गुस्ताख, अपनी ज़बान से नैना का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, वो हमारी मोहब्बत है हुकुम। हमें नैना दे दीजिए, हम उसे लेकर गांव लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे हुकुम। नैना हमारी जागीर है, वो इस घर में हमारी ख्वाहिश बनकर आई थी और अब हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। जा, चला जाना से। आपके पास तो सब कुछ है और हमारा सब कुछ नैना है, हमें हमारी नैना दे दीजिए। तुझे नैना चाहिए? हाँ हाँ हुकुम, हुकुम नैना चाहिए मुझे। सच में तुझे नैना चाहिए? हाँ हुकुम। नैना चाहिए इसे, हमारी नैना चाहिए इसे। हाँ नैना चाहिए मुझे, मुझे नैना चाहिए। नैना का नाम अब किसी की जबान पर आया तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। जितना चाहे सुन कर लो, पर मेरी नैना मुझे दे दो, मेरी नैना मुझे दे दो। मत ले नैना का नाम, ये हमारी कुव्वत आजमा रहा है। मत ले नैना का नाम। अगर तू हमारे वफादार बलवंत का बेटा ना होता, उसका खून ना होता, तो तेरे जिस्म का सारा खून फर्श पर बहा देते। उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहां लाशों के ढेर बिछा देता। समंदर के हवाले